नमस्कार, मैं निर्मला शर्मा। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ निटिंग थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो पहले के जो दो पार्ट थे उसमें जाना कि कोर्स एंड वेल्स क्या होते हैं और कट और गॉज का क्या मतलब होता है किसी भी निटिंग साइकिल में, निटिंग मशीन में या उससे बने हुए फैब्रिक के अंदर। आज हम जो दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे वो है फेस एंड बैक ऑफ स्टिच लूप एंड स्टिच डेंसिटी। फर्स्ट हम पढ़ते हैं फेस एंड बैक ऑफ स्टिच लूप। हम ये जाने कि फेस और बैक क्या होता है किसी भी स्टिच लूप का, उससे पहले हमें किसी भी लूप के स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये एक लूप का स्ट्रक्चर है जो यू शेप में बना हुआ होता है। इसके दो बेसिक मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो होती हैं लेग्स और एक जो यू शेप का पार्ट होता है वो कहलाता है इसका फीट। लूप्स जो होते हैं वो आपस के अंदर इंटरमैच्ड रहते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, और बाइंडिंग पॉइंट्स किसी भी लूप में वे पार्ट होते हैं जहां पर कि लेग्स आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होती चली जाती है और जिससे कि लूप्स का फॉर्मेशन होता जाता है और फैब्रिक बनता चला जाता है। तो बेसिकली टू पार्ट्स हैं किसी भी लूप के, लेग्स और फीट, और बाइंडिंग पॉइंट्स वे पार्ट्स होते हैं जहां पर कि लूप्स जो हैं आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं। अब जो लेग्स की जो पोजीशन है वो इन बाइंडिंग पॉइंट्स का अलग अलग होती है। कुछ में तो जो ये लेग्स होती हैं बाइंडिंग पॉइंट्स के ऊपर होती हैं और कुछ लूप्स में जब इंटरलॉकिंग होती है तो लेग्स जो है वो बाइंडिंग पॉइंट्स के नीचे की तरफ होती है। तो इस पोजीशन पे कि लेग्स जो हैं वो बाइंडिंग पॉइंट के ऊपर की तरफ हैं या नीचे की तरफ होती है, बेसिकली दो टर्म्स डिफाइन की जाती हैं, बैक ऑफ स्टिच लूप एंड फेस ऑफ स्टिच लूप। फर्स्ट आता है हमारा बैक ऑफ स्टिच लूप। जब बाइंडिंग पॉइंट्स पर फीट अपर पोजीशन में होते हैं और लेग्स बाइंडिंग पॉइंट्स के ऊपर नीचे की तरफ होती है तो उसे बैक ऑफ स्टिच लूप कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पर्ल स्टिच, गॉटर स्टिच, तो ये जो दोनों स्टिच होती हैं उसमें बैक ऑफ स्टिच लूप हमारा बनता है निटिंग प्रोसेस के दौरान। सेकंड जो हमारे टर्म आती है वो है फेस ऑफ स्टिच लूप। जब बाइंडिंग पॉइंट्स फीट बाइंडिंग पॉइंट्स के ऊपर फीट लोअर पोजीशन के अंदर होती है और लेग्स की पोजीशन बाइंडिंग पॉइंट्स पर ऊपर की तरफ होती है तो ये जो टर्म होती है इस प्रोसेस में जो लूप बनता है उसको फेस ऑफ स्टिच लूप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्लेन स्टिच, स्टॉकिंग स्टिच जो बनती हैं उसमें फेस ऑफ स्टिच लूप बनता है। तो ये जो दो हमारी बेसिक टर्म होती हैं, बैक ऑफ स्टिच लूप एंड फेस ऑफ स्टिच लूप। अब हम बात करते हैं स्टिच डेंसिटी की, स्टिच का क्या घनत्व होता है। स्टिच डेंसिटी का मतलब है कि दिए हुए एरिया में, चाहे वो पर इंच है, पर 1.5 इंच है या 2 इंचेस है, तो जो भी एक एरिया हमको स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ कोर्स एंड वेल्स जो होती हैं वो उस फैब्रिक की स्टिच डेंसिटी कहलाती है। वेल्स, जैसे कि हमें पता है कि जो लूप्स की वर्टिकल लाइंस बनती हैं उनको वेल्स कहा जाता है और लूप्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं उनको कोर्स कहा जाता है। तो किसी भी नीटेड फैब्रिक में एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेल्स आ रही हैं, कितनी नंबर ऑफ कोर्स आ रहा है, वो उसकी स्टिच डेंसिटी कहलाती है। स्टिच डेंसिटी जो होती है वो किसी भी फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि अगर हम देखें कि यदि नंबर ऑफ वेल्स ज़्यादा हैं किसी फैब्रिक में नंबर ऑफ कोर्स से, इट मीन्स वर्टिकल लाइंस नीटेड फैब्रिक में ज़्यादा हैं वनस पर कोर्स हॉरिजॉन्टल लाइंस के, तो वो जो फैब्रिक होगा, वो जो नीटेड फैब्रिक है उसकी जो विड्थ वाइज डायरेक्शन के अंदर उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका स्थायित्व बहुत अच्छा होता है। ऐसे फैब्रिक को अगर हम विड्थ वाइज डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं तो वापस वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, एग्जैक्ट अपनी पोजीशन वापस ले लेता है, उसका स्थायित्व विड्थ वाइज डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा होता है। धन्यवाद।